आज मैं बना रही हूँ बांगड़ा मच्छी का सालन। फिर देखो इधर मैं मच्छी फ्राई करने रखी, मसाला लगा के रखी थी अच्छे से। इधर मच्छी फ्राई होकर देखो निकाली, इधर मैं ये मसाला बाजू में रखी जिसके अंदर है नारियल, हरी मिर्ची, कोथमीर, टमाटर, ये सब मेरा मसाला। मेरा मसाला इधर पीस के हो गया, देखो मच्छी फ्राई करके हो गया। मैं वही तेल में अभी कड़ी पत्ता और कोकम को ऐड करके डाल के तड़का दे के उसके बाद ये जो मसाला है वो डालेंगे इसके अंदर। तो अब देखो मसाला मैं डाल दूँ, मसाला डाल दी भुनने के लिए। और इसके अंदर हम लोग को अभी लाल मिर्ची, हल्दी और नमक पाउडर बस डालना, बाकी कुछ नहीं डालना। सब मैंने मच्छी का इसके अंदर ऐड करके पीस के रखी थी। देखो मेरा मसाला भी कितने अच्छे से फ्राई हो गया, एकदम गोल्डन कलर में आ गया अच्छे से। इसको और अच्छे से फ्राई करेंगे, भुनेंगे, क्योंकि मच्छी का है ना थोड़ा ज़्यादा वो करना पड़ता है। तो देखो मेरा मसाला हो गया, मैं इसको पानी डाल के अभी कड़ी कर दी। ऊपर से मैंने कोथमीर डाली और जो मच्छी फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड करना है, एक एक करके स्लो से गैस को थोड़ा मीडियम में करके फिर डालना मच्छी। तो देखो मेरा मच्छी भी डाल भी दी सब मैंने, और मेरे कालवन देखो कितना अच्छा मेरा सालन मतलब हो गया अच्छे से। तो ये रहा मेरा ठंडी में स्पेशल बांगड़ा मच्छी का सालन, जो कि ठंडी में खाते हैं लोग। ये बहुत हेल्दी और गर्म भी देता है बॉडी को इसीलिए। तो फिर चलो मिलते हैं, अभी मेरा सालन कैसे लगा क्या है देख के बताना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।